हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो कारों की भिड़ंत में माँ बेटे समेत तीन की मौत, तीन घायल। पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे घर। फोर लेन पर चंद्रावती कट के पास हुआ हादसा। फोर लेन हाईवे पर चंद्रावती कट के पास गुरुवार देर रात सवा दो बजे दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक कार में सवार माँ बेटे व काका की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरी कार में सवार दो व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया, साथ ही एक घायल की हालत चिंताजनक होने पर उपचार के लिए अन्यत्र रेफर किया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फोर लेन पर गुजरात की तरफ जा रही कार अनियंत्रित हो गई। कार डिवाइडर से होते हुए दूसरी लाइन पर जा रही कार से जा भिड़ी। दुर्घटना में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में एक कार में तीन लोगों की मौत हो गई। घायलों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां एक घायल की हालत चिंताजनक होने पर अन्यत्र रेफर किया गया। वहीं दूसरी कार में सवार दो लोगों की मामूली चोटें पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे घर। पुलिस के अनुसार राजकोट के शिव आराधना सोसाइटी निवासी मेहुल भाई पटेल परिवार समेत मथुरा गए थे, जहां उसके पिता विठल भाई पटेल की बीमारी से मौत हो गई। पिता का अंतिम संस्कार कर मेहुल उसकी माँ श्रीमती मीरा बेन वो उसका काका रजनीकांत पटेल कार से वापस घर लौट रहे थे। फोर लेन पर कार अनियंत्रित हो गई। चंद्रावली कट के पास डिवाइडर से होते हुए रॉन्ग साइड में दूसरी लाइन पर जा रही कार से जा टकराई। दुर्घटना में राजकोट की शिव आराधना सोसाइटी निवासी मेहुल, उत्तर विठल भाई पटेल, जामनगर निवासी रजनीकांत, पुत्र गोविंद भाई पटेल व श्रीमती मीरा बेन पत्नी विठल भाई की मौत हो गई, जबकि राजकोट निवासी गिरधर पुत्र वल्लभ भाई पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अन्यत्र रेफर किया गया। वहीं दूसरी कार में सवार पाली जिले के जैतारण निवासी बुधराज पुत्र उत्तम चंद जैन व नागौर के मेड़ता निवासी पप्पू राम पुत्र रामचंद्र प्रजापत घायल हो गए। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।